Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 15, Plant Growth and Development of Class 11th Biology, NCERT. Multiple choice questions कर रहे हैं हम यहाँ पे. So question number 1, इथिलीन is used for. देखिए इथिलीन यहाँ पे एक तरीके का हार्मोन है. जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको पांच टाइप के हार्मोन मिलते हैं, जैसे है ABA, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, उसके बाद है आपका ऑक्सिन, फिर आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, देन है जिब्रेलिक एसिड, एंड देन उसके बाद लास्ट है आपका इथिलीन. ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कौन किसके एंटागोनिस्ट है, तो एबीए जो है वो जीए के एंटागोनिस्ट है, यानी कि जस्ट ऑपोजिट. एबीए अगर कोई काम करे, जैसे सीड डॉर्मेंसी की बात है, तो एबीए जो है वो सीड डॉर्मेंसी कराता है और जीए जो है वो सीड एंड बड डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है. सेम उसी तरीके से ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है. ठीक है, ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस करवा रहा है, तो साइटोकाइनिन जस्ट उसका ऑपोजिट काम कर रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये पांच हार्मोन है जो प्लांट ग्रोथ को या प्लांट ग्रोथ के डेवलपमेंट को, इन सब में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि इथिलीन किस लिए यूज किया जाता है. ऑप्शंस है रिटार्डिंग राइपनिंग ऑफ टोमेटोस, हैस्टरिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, स्लोइंग डाउन राइपनिंग ऑफ एप्पल्स, बोथ बी एंड सी. यहाँ पे रिटार्डिंग या स्लोइंग डाउन का मतलब होता है जो कम करता है. ठीक है, हैस्टरिंग का मतलब होता है टू बी वेरी क्विक, जो बहुत तेजी से करता है. तो यहाँ पे जो इथिलीन है वो बहुत तेजी से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है. ठीक है, इथिलीन इज अ गैशियस हार्मोन विच हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. ठीक है, ये आपका इस हार्मोन का फंक्शन है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी. क्वेश्चन नंबर 2, कोकोनट वाटर इज, यहाँ पे देखिए कोकोनट वाटर है जो हम लोग नॉर्मली पीते हैं सुबह सुबह. बहुत सारे इसके फंक्शन है, जैसे पोस्ट वर्कआउट री एनर्जाइजर भी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट हेल्थ को कंट्रोल कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है, किडनी स्टोन से प्रिवेंट करता है. अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा इसमें होते हैं जो कि बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ग्रेट सोर्स है. इसमें एक और इसका फंक्शन दिख रहा है, साइटोकाइंस कंटेन करना. यही क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है. कोकोनट वाटर कंटेन्स, कोकोनट वाटर में क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है. ठीक है, और यहाँ पे जो आपका कोकोनट वाटर है वो बेसिकली क्या है, इट्स अ ड्रूप फ्रूट. कैसे, कोकोनट क्या है, एक तरीके का ड्रूप फ्रूट है. ठीक है, ड्रूप फ्रूट, जैसे आपका मैंगो भी है ड्रूप फ्रूट. ठीक है, ये जो ड्रूप फ्रूट है इट हैज एन एडिबल एंडोस्पर्मिक लेयर. ठीक है, इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही टाइप के लेयर होते हैं और दोनों ही खाने के यूज में आते हैं. ठीक है, सॉलिड भी होता है इसमें और लिक्विड भी होता है. लिक्विड जिसको आप वाटर कह रहे हो और सॉलिड जो आपको जो गड़ी जिसको हम कहते हैं वो उसका सॉलिड पार्ट है. दोनों ही एडिबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया कि साइटोकाइनिन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन. कौन सा हार्मोन है जो कि ओवरकम करता है इस एपिकल डोमिनेंस को. तो उससे पहले पता होना चाहिए कि एपिकल डोमिनेंस को करने वाला कौन सा हार्मोन है. तो एपिकल डोमिनेंस को करने वाला हार्मोन होता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन को ओवरकम करना यानी कि ऑक्सिन के एंटागोनिस्ट कौन सा हार्मोन है, दैट इज साइटोकाइनिन. ठीक है, दैट इज साइटोकाइनिन. तो साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्ट टू द एक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड इसीलिए वो ओवरकम भी करता है उसके फिनोमिना को. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई. यहाँ पे आपको जो जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन जो है वो इंटरनोडल इलोंगेशन भी करता है. इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन के साथ साथ ये ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन डॉर्मेंसी, बड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी, इनको ब्रेक डाउन भी करता है. और उसके साथ साथ जो आपका जिब्रेलिक एसिड है वो बोल्टिंग भी करवाता है. ठीक है, ये सारे फंक्शंस है आपके जिब्रेलिक एसिड के ही. इथिलीन जो है इट्स अ गैशियस हार्मोन, तो आपका आंसर हो जाएगा डी. 3 का डी हो जाएगा साइटोकाइनिन. क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन वैक्स्ड पेपर. आपने नॉर्मली ही देखा होगा कि जो एप्पल होते हैं हम लोग आजकल जो मिलते हैं वो काफी ज्यादा चमकदार होते हैं क्योंकि उसको वैक्स पेपर से रैप किया गया होता है. ठीक है, क्या जरूरत पड़ती है उसको इस तरीके से रैप करने की. एक्चुअली जो एप्पल्स होते हैं ना उसमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको दिखते नहीं है बट छोटे छोटे इस तरीके से इसमें लेंटिसेल्स होते हैं. ठीक है, एक तरीके का होल जिसको आप कह रहे हो. ये जो लेंटिसेल्स होते हैं ना ये इसके स्किन के ऊपर, थ्रू दैट लेंटिसेल्स दे रेस्पायर.
ठीक है, तो इसीलिए उनको वैक्स पेपर से रैप किया जाता है ताकि वो ओवर राइपेंड ना हो जाए और खराब ना हो जाए अंदर से एप्पल, ठीक है। इसलिए उसको वैक्स पेपर से उसको किया जाता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से वॉश करके उसके बाद इसको खाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है प्रिवेंट सनलाइट फॉर चेंजिंग इट्स कलर, नो। प्रिवेंट इथिलीन फॉर्मेशन ड्यू टू इंजरी, नहीं। मेक द एप्पल्स लुक अट्रैक्टिव, बिल्कुल भी नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, प्रिवेंट एरोबिक रेस्पायरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं, एरोबिक रेस्पायरेशन होगा नहीं और एप्पल सड़ेगा नहीं, ठीक है। ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। IAA साइड में लिखा है हेरिंग स्पर्म डीएनए, बोल्टिंग, स्टोमेटल क्लोजर, वीट फ्री लॉन्स या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को आपने पढ़ लिया कि इथिलीन जो है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का आता है, ठीक है। उसके बाद आपने आपको ये भी पता चल गया कि जो आपका साइटोकाइनिन है वो साइटोकाइनिन क्या काम करता है, सेल डिविजन को जो है प्रमोट करता है। तो बेसिकली और चीज समझ लेते हैं, जैसे हेरिंग स्पर्म डीएनए क्या होता है। हेरिंग बेसिकली एक तरीके की फिश होती है, ठीक है, और उसका जो स्पर्म होता है इस हेरिंग फिश का जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म में से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, उस डीएनए को स्टेरलाइज करते हैं स्टीम में, यानी बेसिकली आप इसको कह रहे हो कि ऑटोक्लेव किया जा रहा है उसको। ऑटोक्लेव करके जब हम ऑटोक्लेव करते हैं उस हेरिंग के स्पर्म डीएनए को ऑटोक्लेव करते हैं, तो उसमें से हमको काइनेटिन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेरिंग क्या है, इट्स अ फिश, ठीक है। फिश का जो स्पर्म है उसमें से डीएनए को आइसोलेट किया, ठीक है, डीएनए को आइसोलेट करके इसको क्या किया, स्टेरलाइज किया। स्टेरलाइज करने के बाद इसमें से जो आपको रिलीज होता है दैट इज काइनेटिन, ठीक है। एंड काइनेटिन इज अ सिंथेटिक नेम ऑफ साइटोकाइनिन विच प्रमोट या विच हैज द एबिलिटी टू इंड्यूस सेल डिविजन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन का हो जाएगा 1, ठीक है। जिब्रिलिक एसिड अभी आपको इसका फंक्शन बताया था, बोल्टिंग जो है इसका फंक्शन है, ठीक है। एबीए जो है इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। एबीए क्या है, एबीए इट्स अ स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन जब क्या होगा, जब वाटर स्ट्रेस होगा यानी कि वाटर बहुत कम होगा, तो एबीए क्या करता है ना, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है, शट कर देता है, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए। और जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा, तो स्टोमेटल जो है वो क्लोजर रहेगा। तो ये बेसिकली एबीए का ही ये काम होता है, स्टोमेटल क्लोजर, ठीक है। आईएए जो है जिसको हम लोग कह रहे हैं इंडोल एसिटिक एसिड, क्या कह रहे हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये बेसिकली क्या है, 2,4-D है। 2,4-D क्या है, 2,4-D जो है वो वीडी साइड है, वीडी साइड, ठीक है। ऑक्सिन का ही ये एक तरीके का सिंथेटिक वर्जन है, ठीक है। तो ये वीडी साइड है, ये क्या करेगा, जितने भी बड़े बड़े लीव्स वाले वीड्स होते हैं उन सबको एकदम सफाया कर देगा उसका, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे रखा गया है, IAA को कहा गया है वीट फ्री लॉन्स, ठीक है। तो ए का 4 आपको देखने को मिल रहा है, एंड देन एबीए का आपका स्टोमेटल क्लोजर सी, एबीए का 3 यानी कि बी का 3 नहीं है। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, द फोटो पीरियड इन प्लांट इज परसीव्ड एट। देखो जो फोटो पीरियड है वो बेसिकली क्या है, लीव्स जो हैं उसको, लीव फुली डेवलप्ड लीव्स जो हैं वो ही लाइट के स्टिमुलस को रिसीव कर पाते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं कर पाता। और जब लाइट के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो उसके बाद फोटो पीरियडिज्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बेसिकली किस लिए परसीव की जाती है, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, ताकि उसकी फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में फोटो पीरियड का बहुत ही मेजर रोल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6 का डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज, ग्रोथ को हम कई टाइप से मेजर कर सकते हैं, तो इनमें से वो कौन सा पैरामीटर है जिसको आप ग्रोथ के मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हो। इंक्रीज इन सेल नंबर, बिल्कुल, सेल नंबर को इंक्रीज करके भी आप, सेल नंबर इंक्रीज है ये देख के भी आप कह सकते हो कि हाँ इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। सेल साइज को भी देख के आप कह सकते हो हाँ इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। लेंथ एंड वेट तो है ही, तो डी जो है वो सही होगा, यानी कि सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं, ऑल द सेट पैरामीटर्स आर ट्रू फॉर ग्रोथ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन. अब सिनर्जिस्टिक एक्शन का अगर मतलब आपको पता है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा. सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब होता है या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा हॉर्मोन्स एक साथ काम करते हैं किसी एक फंक्शन को लेके आने के लिए. ठीक है, यानी कि बेसिकली वो एक इंडिविजुअल हॉर्मोन से ज्यादा काम कर पा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि इथिलीन और ऑक्सिन एक साथ काम करते हैं, वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑन फ्लावरिंग. ठीक है, दोनों जो है फ्लावरिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट लेके आते हैं, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है. तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, व्हेन टू हॉर्मोन्स एक्ट टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टू द सेम फंक्शन. सेम फंक्शन लेके आते हैं दो या दो से ज्यादा हॉर्मोन जब एक साथ काम करते हैं तो. ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मींस दैट. देखो बेसिकली प्लास्टिसिटी अगर हम ऐसे देखें तो प्लास्टिसिटी का मतलब हम ये समझते हैं जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ के हिसाब से इसका मतलब ये निकल के आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि वो अपने तरीके से काम नहीं कर पाता, वो पूरी तरीके से डिपेंडेड होता है एनवायरमेंट पे. ठीक है, जैसे मान लीजिए एनवायरमेंट, आपने उसको ऐसे एनवायरमेंट में प्लांट को रख दिया जहां पे लाइट ही नहीं है बिल्कुल या पानी ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो इन चीजों पे डिपेंडेड है. अगर पानी नहीं है तो अपने आप थोड़ी वो लेके आएगा. ठीक है, तो हमें अलग से डालना पड़ता है, हमें अलग से जो है सनलाइट देनी पड़ती है, तब प्लांट अच्छा सा डेवलप करता है, हेल्दी प्लांट डेवलप करता है. ठीक है, तो बेसिकली इट इज डिपेंडेड ऑन एनवायरमेंट. तो जो भी चीज एनवायरमेंट पे डिपेंड हो रही है या अडेप्टेबिलिटी है उसकी उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, तो वो इसका मतलब होगा प्लास्टिसिटी का. तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, प्लांट डेवलपमेंट इज डिपेंडेड ऑन एनवायरमेंट. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन दे आर स्प्रेड विथ. देखिए शुगर केन जो है वो बहुत ही अच्छा है जो शुगर प्रोडक्शन करता है, मतलब शुगर बीट से भी आपको शुगर का प्रोडक्शन होता है, शुगर केन से भी होता है. ठीक है, अब मान लीजिए आपने आपके किसी खेत में शुगर केन लगा हुआ है और आपको चाहिए कि भाई इस बार शुगर का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो आप किस चीज का छिड़काव करोगे. ठीक है, ये पूछ रहा है. देखिए कोई भी चीज का छिड़काव करने से शुगर का प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर हम प्लांट को बढ़ा दें तो डेफिनेटली उसके अंदर जो शुगर केन के अंदर जो सैप है वो क्या है, सुक्रोज ही है. ठीक है, इस शुगर के अंदर, शुगर केन के अंदर जो आपको सैप, प्लांट सैप जो होता है ना, वो बेसिकली क्या है, सुक्रोज. और सुक्रोज क्या है, शुगर. ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए शुगर केन, आपको इतना छोटा आपका शुगर केन है. ठीक है, इस शुगर कोन, शुगर केन की लेंथ अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है, अभी इसका इंटरनोडल रीजन इतना बड़ा मैं कर दूं, तो डेफिनेटली इस शुगर केन का जो शुगर कंटेंट है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देंगे. जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव करने से क्या होगा, इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाएगा, और इंटरनोड इलोंगेट हो जाएगा तो अपने आप सुक्रोज का कंटेंट बढ़ जाएगा. तो 10 का हो जाएगा सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ABA एक्ट्स एंटागोनिस्ट टू. अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ऑक्सिन होता, ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं. यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सिन होता तो आंसर हो जाता साइटोकाइनिन, लेकिन यहाँ पूछा है ABA. ABA किसके एंटागोनिस्ट है, तो ABA जो है वो आपका जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट है, तो 11 का हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 12, मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोस. मोनोकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं हु जस्ट फ्लावर वंस एंड डाई. एक बार पूरी अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा. जैसे आपने फॉर एग्जांपल देखो बैम्बू, ठीक है, जो बैम्बू प्लांट होता है इसका एग्जांपल है मोनोकार्पिक का ही. ठीक है, बैम्बू प्लांट जो होता है वो 40 से 50 साल में ना सिर्फ एक बार, 40 इयर्स में, अपने लाइफ टाइम के 40 इयर्स में, कई बार 80 इयर्स में एक बार से फ्लावरिंग करता है. फ्लावरिंग करने के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है, डेड हो जाता है. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 का आंसर हो जाएगा बी. सो विद दिस, दिस चैप्टर एंड्स. हम लोग नेक्स्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16, आई गेस. सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.